इस जीवन की वास्तविकताओं को पहचान कर, महसूस करके इस जीवन की जटिलताओं को स्वीकारने की कला, कठिनाइयों, मुश्किलों, दुखों, मुसीबतों को स्वीकारने की जो कला है, वह स्वयं में अद्भुत है। इस कला को जीने के लिए, इस कला को सीखने के लिए अंतर मन में धैर्य उत्पन्न हो जाए, धैर्य पनप जाए और उन कठिनाइयों को धैर्यपूर्वक जीकर एक नए सिरे से नए जीवन की शुरुआत की संभावनाओं को पहचान कर उन्हें स्वीकार करने की कोशिश कर ली जाए, तो मुझे लगता है जीवन की अनेकों जटिलताएं आसानी से हट सकती हैं। यदि मुश्किलों के लिए, यदि कठिनाइयों के लिए, यदि दुखों के लिए स्वयं को तैयार न किया गया, स्वयं को मजबूत न किया गया, तो यह जीवन कैसा हो जाएगा? यह जीवन अजीब सा, नीरस सा, निष्क्रिय सा हो जाएगा। दिन रात सुखों को ही भोगते रहने की आदतें, दिन रात सुखों को भोगते रहने की लालसाएं, दिन रात सुखों को ही भोगते रहने की अभिलाषाएं हमें अंदर से खोखला कर देंगी, हमें अंदर से कमजोर, दुर्बल और इन सुखों की आदि बना देंगी। ऐसे नौबत ना आए, इसके लिए दुखों का आना भी तो जरूरी है, मुश्किलों का आना भी तो जरूरी है। इस प्रकार तो ये भी समझा जा सकता है कि ये दुख, ये कठिनाइयाँ, ये जटिलताएँ, ये मुसीबतें हमारे जीवन को और मजबूत करती और परिपक्व करती हैं और धैर्यवान बनाती हैं। जटिलताओं को आसानी से संतुलित और समन्वित होकर जीने की यह कला हमें जीवन की सफलताओं की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है कि जिसकी हम आशा, अभिलाषा और कल्पना करते हैं। यद्यपि कि मुसीबतों में, कठिनाइयों में तकलीफें तो होती हैं, पीड़ाएं तो होती हैं, कष्ट तो होते हैं, पर ये पीड़ाएं, ये कष्ट, ये मुश्किलें, ये कठिनाइयां हमारे जीवन में एक नए रस
को प्रवाहित करती हैं। इन रसों के प्रवाह से हमारे अंदर जीवन में जूझ कर आगे बढ़ने की आशाओं को, आदतों को और मजबूती प्रदान करती हैं। ऐसे मुश्किल और कठिन समय को सहर्ष जीकर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।